अमृतसर का सिविल हस्पताल एक बार फिर चर्चा के है, क्योंकि एक औरत के पेते की पथरी के ऑपरेशन के दौरान उसके ढिड में पट्टिया से रूह छड़ दी गई। पिंड हर्षा छीना की सुरजीत कौर ने जुलाई महीने में ऑपरेशन करवाया सी और उस तो बाद लगातार पेट में दर्द सहन करने मजबूर हो गई। अनेक बार सिविल हस्पताल गेड़े लगा के दवाइया खाने के बावजूद भी जो दर्द तो राहत ना मिली तो एक्सरे के अल्ट्रासाउंड करवाने पट्टिया के रूह पेट में होने संबंधी पता लग्या। सुरजीत कौर के पति दिहाड़ीदार मजदूर सरवण सिंह अनुसार डॉक्टर वालों टाल मटोल की गई और धमका के मामला रफा दफा करने कहा गया। हुण गुरु नानक हस्पताल रैफर किया गया जिथे उसका इलाज किया जाएगा। उधर सिविल हस्पताल के डॉक्टर अर्शदीप सिंह ने इन्होंने दोषों का खंडन करदिया एम आर आई करवा के मामले की जांच करने की गल आखी। सुरजीत कौर क्या सर ऑपरेशन करवाया मैं कादा जी ये पित्ते दा पथरी सी पित्ते च ओ करवाया ओ इन्होंने मेनू आज 4 महीने हो गए करवाए नू मेरे दर्द नहीं रुकदी। मैं पहला भी आंदी रही इन्हां को महीने बाद आंदी रही कहंदी रही मेरे दर्द हुंदी है इन्हां कोई सुनवाई नहीं मेरी कीती कहंदे कोई ना 6 महीने हुंदी हुंदी दर्द 20 दिन इन्होंने मैनू मेडिसिन खवाई कहंदे कोई ना खा तेरे दर्द रुक जूगी। अज तो मैंने 4 महीने हो गए दवाई खाँदी नूं कोई फर्क नहीं पिया। खुद डॉक्टर ने अज अस्करा करवाया तो उहदे विच आया रूह ते पट्टियां आईयां हुण रिपोर्ट लका ली आ दे नहीं दे ते खुद रूह पट्टी आई है कॉटन आया अहीं खुद अहीं बड़ी मुश्किल ऑपरेशन करवाया मेरा घर वाला खुद दिहाड़ियां ला ला के आपां फिर लोकां को ब्याजी पै चुक चुकी। डॉक्टर साहब ने आप किया डॉक्टर साहब को उन्होंने कोल हाँ जी मंग यही है कि डॉक्टर साहब ही करन हो जो करन मैनू राजी करन मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा घर वाला तो हुण कुछ कर नहीं सकदा क्योंकि दिहाड़ी दा पा करदा 150 रुपया दिहाड़ी ओ लिया मेरे ते लावे की करे ओ मेरे बच्चे छोटे आ हुण डॉक्टर साहब ही जो करदे करन पैसे लगदे ओ लाउण मैनू राजी करके घर कर लैण। हाँ जी सरवण सिंह जी मैं अपनी वाइफ का 4 महीने पहले ऑपरेशन करवाया है लॉकडाउन के ऑपरेशन करवाया है कभी केको व्याज पैसे चुके कभी केको चुके तो अं 3-4 ऑपरेशन तो बाद अं आए भी है तो सानू ये कहें कोई गल नहीं अल्ट्रासाउंड करवाए है कोई गल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं 3-4 महीने दर्द होंगी होंगी है ये अंदरों पड़दे पाटे है जी इन्ने पड़दे पाते है कि कोई गल नहीं तुम दवाई खाओ मेडिसिन खाओ कोई गल नहीं। हाँ जी दर्द डॉक्टर साहब की नगेली सामने अंदर कोटन तो रह गई पट्टियाँ तो वो अज एक्सरा कराया और डॉक्टर साहब कोई है और सीट मेरे को है एक्सरा डॉक्टर साहब ने कटवा लिया है दो वारी एक्सरा करवाया है अज ना एक कहते भी शर्ट कमीज उतार के फिर इन्हें एपरन दिता फिर एपरन ला के वो बटन खोल के उत्ते भी फिर मैं करवाया है एक्सरा कि हाँ जी अपनी वाइफ सुरजीत कौर मैं तो यही मांग करता कि मेरी वाइफ भी सही सलामत घर है भी ट्रीटमेंट सही हो गए मैं जरा पैसा धेला ला के कर्जा हो मैं इनू अपने लैके घर जाऊँगा सही सलामत करा मेरी वो मांग है। मेरा नाम डॉक्टर अर्शदीप सिविल हॉस्पिटल पेशेंट देखो जी गाल बैड का ऑपरेट किया 4 महीने पहले हूँ पेशेंट बहुत पेन हो रही है तो असं चाह रहे कि सीटी स्कैन होए तो इलाज ठीक होए तो पेशेंट ने उसे गुरु नानक रैफर किया तो यह वधिया इलाज होए तो पेशेंट ठीक है गाल बैड तो है वो कह रहे हैं कि एक्सरे कराया तो एक्सरे की रिपोर्ट डॉक्टर साहब को नहीं मेरे को कोई एक्सरे रिपोर्ट नहीं एक्सरे कराया से एक्सरे नॉर्मल आया फिर भी पेन पट्टी कॉटन कभी एक्सरे च नहीं आता पट्टी कॉटन नहीं आता रेडियो पेक चीज़ होती है जी मतलब एक्सरे आ जाती है रेडियो पेक होती है उसे एक्सरे फिल्म लगी होती है वो आती है पट्टी तो कॉटन कभी भी नहीं आता पैर है पर नहीं पता लगता बाकी पेशेंट ने मेरे तो इतने आने तो पहले 2-3 बार अल्ट्रासाउंड कराया वो जो नॉर्मल आया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट किसको होगी सर पेशेंट को पेशेंट कह रहे हैं डॉक्टर साहब को अल्ट्रासाउंड इन्हों को नहीं कोई नहीं आता तो बाकी बाकी देखो डॉक्टर साहब वे को भेजता है तो सीटी स्कैन होएगा एक्सरे होएगा और पता लग जाएगा ठीक है ना सर डॉक्टर साहब अनगहली नहीं है देखो सारे स्टाफ होंगे नर्सा होंगे सारा होंगे स्टाफ फिर नर्सा चेक कर दी समान जो रखते हैं ऑपरेशन वेले जो समान रखते हैं कुछ रखते हैं वो सारा चेक करके चेक कर दी कि बाहर आ गया या नहीं आया फिर ही ऑपरेशन जो पेट बंद करी दिया अभी तो देखो हज़ारा ऑपरेशन करते हैं सारे जी कोई ना कोई ठीक है ना पेशेंट
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਕੋਟਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।